हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी रीड अ पोएम, अ हाउस अ होम ऑफ क्लास सिक्स्थ। देखिए बच्चों, ये जो बुक है आप लोगों की बुक है एक हनी सकल, ठीक है, सिक्स्थ क्लास की। और उसके अंदर ये जो पोएम्स हैं वो आपसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करते हैं पोएम। देखिए, अ हाउस अ होम बाय लॉरेन एम हॉली। देखिए ये जो पोएम है, इस पोएम के अंदर हमारे हाउस के बारे में हम लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से हमारा जो हाउस है और हमारा जो होम है, ठीक है, वो किस तरीके से बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें हम लोगों को इसमें बताया गया है। देखिए, अ हाउस अ होम, व्हाट इज़ अ हाउस, जो कि आप लोगों को ये स्क्रीन पर दिख रहा है हाउस, ठीक है। इट इज़ अ ब्रिक एंड स्टोन, ये एक ब्रिक होती है यानी कि एक ईंट होती है और कुछ पत्थरों से बना हुआ होता है। अ वुड इट्स हार्ड, और इसमें लकड़ियों के दरवाजे भी होते हैं, ठीक है ना। सम विंडो ग्लास, कुछ ग्लासेस के विंडो होते हैं यानी कि कुछ कांच के घर होते हैं। एंड परहैप्स अ यार्ड, और वह बाहर खेलने का भी कुछ यार्ड होता है, ठीक है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज, और उसके अंदर कुछ ईव्स होते हैं और कुछ चिमनी होती है। एंड टाइल्स फ्लोर, और फ्लोर जो होता है वो टाइल्स का होता है। एंड स्टुको एंड रूफ, एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। व्हाट इज़ अ होम, होम होता क्या है। इट्स लविंग अ फैमिली, ये एक फैमिली होती है, इसमें बहुत प्यारी फैमिली रहती है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और वो एक दूसरे के लिए काम भी करते हैं। तो इट्स ब्रदर एंड सिस्टर, इसमें भाई और बहन होते हैं। एंड इसमें भाई और बहन होते हैं। एंड फादर्स एंड मदर्स, इसमें मम्मी और पापा होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स, इसमें अनसेल्फिश से एक्ट्स होते हैं यानी कि एक दूसरे के लिए वो कुछ भी करने के लिए करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, और वो एक दूसरे से शेयर भी, बहुत प्यार से एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और एक दूसरे के लिए प्यार भी जताते हैं। यू आर ऑलवेज केयरिंग, और तुम हमेशा केयरिंग होते हो एक दूसरे के लिए। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पोएम के कुछ मीनिंग्स थे जो मैंने आप लोगों को विद पिक्चर्स समझाए हैं, ठीक है ना। अगर आपको मेरा ये पोएम अच्छी लगी हो तो मैं आपसे दोबारा बोलूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारे पोएम थी, ठीक है ना। इसकी मैंने आपको कोशिश ये करिए कि जो सेंटेंस मैंने लिख रखे हैं, मैंने सामने आपको पिक्चर्स भी दे रखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो अब हम लोग करते हैं इसके वर्ड मीनिंग। अ यार्ड अ स्मॉल इनक्लोज्ड एरिया, यार्ड होता है एक छोटा सा इनक्लोज्ड एरिया। यार्ड मतलब, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, यार्ड मतलब होता है छोटा सा स्मॉल सा एरिया जहाँ पर आप कभी कुछ चीज़ खेल सकते हैं या फिर कुछ गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। ईव्स, द पार्ट ऑफ अ रूफ दैट मीट्स और ओवरहैंग्स द वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग। देखिए ईव्स मतलब क्या होता है, वो पार्ट छत का, वो पार्ट जहाँ पर, जैसे कि छत का वो पार्ट जहाँ पर कुछ भी चीज़ हैंग कर सकती हो, लटक सकती हो। एंड वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग। स्टको द प्लास्टर, स्टको मतलब होता है वो प्लास्टर, फाइन प्लास्टर यूज्ड फॉर कोटिंग वॉल्स, वॉल सरफेस और मोल्डिंग इनटू आर्किटेक्चरल डेकोरेशन। अब देखिए, स्टको का मतलब होता है वाइट वॉश, वाइट वॉश मतलब होता है जैसे कि POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लाइक दिस, स्टको मतलब यही होता है, ठीक है ना। अब हम लोगों ने वर्ड मीनिंग पढ़ ली, अब हम लोग इसकी थोड़ी सी समरी पढ़ लेते हैं इस चैप्टर की, तो हम लोगों को चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये वाला जो चैप्टर है, ये PDF भी बहुत अच्छी है। इस PDF के अंदर आपको बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर, इस PDF के अंदर आपको विद पिक्चर्स आपको समझा रखा है, तो मैं आपको इस वीडियो की पिक्चर PDF जो है ये वाली, वो मैं आप लोगों को दोबारा से प्रोवाइड भी करवा दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब भी कभी आप लोग इस
पोएम को पढ़ने की कोशिश पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग इसकी समरी पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार, ठीक है, पोएट के अनुसार द पोएट अप हाउस इज मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल। जो पोएट के अनुसार जो हाउस होता है वो बना हुआ होता है बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल से, ठीक है ना, सामान से, लाइक जैसे कि होता है ईंटें होती हैं, पत्थर होते हैं, लकड़ी होती है, कांच होता है। इट कंसिस्ट ऑफ डोर्स, विंडो, रूफ या चिमनी, और इसमें होती हैं बहुत सारे डोर्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, छत होती हैं, यार्ड होते हैं, चिमनी होते हैं आदि, एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स, दूसरी तरीके से अगर हम लोग कहें कि वी कैन से दैट नीडेड फॉर अ फुली कंस्ट्रक्टेड हाउस, और ये बिल्कुल इस तरीके से एक पूरा कंस्ट्रक्टेड घर बना हुआ होता है, बट दीज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट शो एनी काइंड ऑफ इमोशंस। पर नॉन लिविंग थिंग्स जो भी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, विंडो हो गए, दरवाजे हो गए, ये जो इन प्रकार की, इसमें कोई भी इमोशंस नहीं होती है, ना कोई फीलिंग्स होती है और ना कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ये सिर्फ शो, दिखने के लिए होते हैं और कुछ नहीं होता इसमें, है ना। इट इज़ ओनली अ कंस्ट्रक्शन और सिंपली अ बिल्डिंग, ये सिर्फ एक प्रकार का एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है, ठीक है ना, जो कि बनी हुई होती है। वेयर एज अ होम इज मेड बाय अ ब्यूटिफुल फैमिली। जबकि अगर देखा जाए कि ये जो घर होता है वो एक बना हुआ होता है एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत परिवार के लिए। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर, अ फैमिली के अंदर क्या क्या होते हैं, फैमिली के अंदर होते हैं फादर होते हैं, मदर होती हैं, सिस्टर होते हैं, भाई होते हैं, बहन होती है, माँ बाप होते हैं। वी कैन सी लॉट्स ऑफ अ लव एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है बहुत सारा प्यार और बहुत सारी एक सी म्यूचुअल सी समझदारी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है यहाँ पर। द एक्टिविटीज़ ऑफ द मेंबर्स, और जो मेंबर्स की एक्टिविटीज़ होती है, वो जो करने का काम करने का तरीका होता है, जो होते हैं मेंबर्स एक दूसरे को समझते हैं, आर नॉट ऑल एट ऑल सेल्फ ओरिएंटेड बट मैंट फॉर एवरीवन। लेकिन ये होता है, नहीं होता है ये सेल्फ ओरिएंटेड, लेकिन ये देखा जाए तो ये सबके लिए होते हैं, यानी कि एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करते हैं। इन होम ऑल फैमिली मेम्बर्स शेयरिंग फॉर फीलिंग, यानी कि एक दूसरे की फीलिंग को शेयर करते हैं। कोई भी अगर बीमार पड़ता है तो वो उसका बहुत आपस में ध्यान रखते हैं, कोई भी अगर खुशी होती है तो वो आपस में मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, एंड ईच अदर एंड केयर फॉर अदर्स, और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा हाउस, ठीक है ना, ये है हमारी पोएम। तो बच्चों हमारी ये पोएम फिनिश्ड हुई। अगर आपको इस पोएम के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टोरी पोएम जो है बहुत अच्छी पोएम है और इंटरेस्टिंग पोएम है, हाउस के बारे में बताया है इस पोएम के अंदर हम लोगों को। तो आप इस पोएम को एक बार वापस से पढ़िएगा, ये मैं जो PDF है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू।